Check out. Okay, ha. Huh. Dime Ronaldinho. Siendo una leyenda lo sabía desde niño. Fuese mi cariño. Yes, brother, where are you? और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं आया हूँ ना, यहाँ पे सुमेध और मल्लिका के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान करा हुआ है। ऐसा कुछ हमारा रूम है, होय होय होय। आप अब रेडी हो जाओ यहाँ से व्यू देखने के लिए। ओ माय गॉड यार, आप देख सकते हो अभी भाई 7 AM हो रहे हैं एंड अभी मैं लैंड हुआ भाई। रात को तो इतनी भीड़ हो रही थी भाई वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ रात को ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा लेट भी हो गए थे, तो जल्दी जल्दी भाई मैं सोचा दुबई जैसे लैंड होगा एयरपोर्ट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी अभी कार आ रखी है, तो एक बार मैं फोन करता हूँ। एंड ऐसा आप देख सकते हो, ये प्रॉपर एक एग्जिट है दुबई एयरपोर्ट का। अगर आप एमिरेट्स से आते हो, ये एमिरेट्स का प्रॉपर एक पर्सनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने भाई के साथ, यहाँ पे फोन मिलाता हूँ मैं जरा उसको। भाई बेल बेल नहीं जा रही है, अलग ही सिस्टम है यहाँ का कुछ दुबई का। हेलो, यस ब्रदर, वेयर आर यू? यस यस, आई हैव जस्ट एग्जिट द एयरपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, यू अंडरस्टूड? यहाँ पे गाइस ऐसे बोलते हैं। कितनी स्पेशल कार मैंने मंगाई है, मतलब मैं मंगाई है यार। यहाँ पे तुम्हारे भाई के फुल जुगाड़ हैं दुबई में, तो बस वही कंफ्यूजन थी यार। वो थर्ड फ्लोर पे खड़ा है हमारा ड्राइवर, हम सेकंड पे खड़े हैं। हैं किसकी कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे कोई मर्सिडीज की AMG भी आ रखी है, आप देख सकते हो गाइस। तो मर्सिडीज की यहाँ पे यार देखो, सुपर कार तो यार यहाँ पे मतलब जैसे अपने वहाँ पे फॉर्चुनर स्विफ्ट वगैरह चलती है ना, ऐसे चलती है यहाँ पे। दुबई में एंट्री जस्ट हुई है एंड सुपर कार्स हमें दिख चुकी हैं। ये देखो गाइस, ग्रे कलर की जी वैगन, ये पता नहीं कौन सा मॉडल है, BMW है। बाकी ये है व्हाइट लैम्बोर्गिनी यूरस। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गाइस, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे मैं सुमेध एंड मल्लिका के लिए भी एक स्पेशल चीज करने वाला हूँ। उसके लिए आपको गाइस कनेक्टेड रहना होगा मेरे ब्लॉग से, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से, कितना अटक रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ गाइस जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो भाई। A few moments later. Oh my God guys, as you can see, the black Lamborghini Urus. फर्स्ट डे दुबई आने के बाद ऐसा सरप्राइज, इन लगेज को रखते हैं सीधा अंदर। ओ भाई साहब, यहाँ पे अपनी गाड़ी आ चुकी है, कार्तिक आर्यन वाली, बढ़िया लग रही है वैसे है। यार अलग ही मजे हैं इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, बट ड्राइव मैं करूंगा नहीं यार, बिकॉज आपको पता है यार, जैसे मैं लास्ट टाइम आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे, मैं यहाँ पे ड्राइव करती हूँ भाई, तो सारे में चलान वगैरह कट गए थे। इस बार मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई, जितने गाड़ी नहीं उतने के तो भाई चलान लग जाते हैं। अब तो मैं बोल ही सकता हूँ इस कार में बैठ के, हबीबी कम टू दुबई, वेलकम टू दुबई। अंडर पास है, अंडरग्राउंड पास है, इसके ऊपर सी है कैसे। ओके गाइस, स्पोर्ट्स पे आ चुके कार अभी। वो साउंड सुनो यार, नहीं यार स्पीड बहुत तेज है। दुबई में मेरे को एक ही प्रॉब्लम लगती है भाई, इनका ना हाईवे है और रोड्स हमारी दिल्ली की तरह नहीं है भाई, कहीं से भी घुमा लो, क्योंकि लंबा हाईवे है और अगर तुम्हें गलती से कोई यूटर्न मिस हो गया ना भाई साहब, इतना आगे जाके यूटर्न लेना होता है, इतना टाइम वेस्ट होता है। पर एक ये मेरे को यहाँ पे इशू लगा, कार को देखें यार, तो ये देखो प्रॉपर कार्बन फाइबर यूज हुआ है यार, ये देखो ये काफी एक्सपेंसिव है यार। पीछे से ऐसा कुछ व्यू आता है सिट्स टीवी का, तुम्हारे भाई का। एक और कार हमें लेनी है, बाद में लेंगे वो, बट आज प्रॉपर हम ले रहे हैं ब्लैक लैम्बोर्गिनी यूरस के मजे। ओए ओए ओए, और स्पोर्ट्स पे भाई साहब भगाए जा रहे हैं, अलग ही फील आ रही है। सामने आ चुका है दुबई मॉल, अभी तो होटल का आपको व्यू दिखाऊंगा यार होटल पहुंच के, बट चलो कंट्रोल करते हैं इमोशंस को। ओए बुर्ज खलीफे, अभी आएंगे तेरे पास भी, स्पेशल प्लान करा हुआ है कुछ मैंने। ओ भाई साहब, बाहर तो गर्मी है यार सही में, ये रैप्ड हो रखी है मैट ब्लैक में, ले रहा पूरा यार। ओ भाई साहब, लुक एट द व्यू मैन, क्या व्यू है। ओके गाइस, मैकडी आए यार,
एक कॉफ़ी ग्रैब करता हूँ यहाँ से। गाइस यार कोल्ड कॉफ़ी तो मिली नहीं, तो मैकडी से मैंने आइस टी ले ली है, पीच आइस टी है। लैम्बोर्गिनी और इसके पीछे बैठा हूँ, पीछे स्पेस ठीक ठीक है। अगर इसको मैं डबल एक साथ करता हूँ ना दोनों को, तो ये ऊपर हो जाएंगे। सही यार फीचर वाइज तो सनरूफ भी अच्छा, मेन मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी इसकी जो वेलवेट ऊपर फिनिश दी हुई है। प्रॉपर फील तो अच्छी आ रही है यहाँ पे सिटिंग सीट के पीछे से, बट पीछे मेरे को कंफर्टेबल ज़्यादा फील नहीं हो रहा। बाकी पीछे के एसी वेंट्स कुछ ऐसे हैं, प्रॉपर टच हैं सब कुछ। या वी विल मीट ऑन 12th इफ पॉसिबल। चलो गाइस लेट्स गो। ऐसा प्रॉपर भाई मिरर्स एंड ऑल है यहाँ पे तो हर जगह, ऐसा कुछ हमारा रूम है। ओए होए होए ऑटोमेटिक वेलकम, सिट्स टीवी का वेलकम हो रहा है, क्या बात है गर्मी से। पहले हमारे ना एक्चुअली सी व्यू था, बट अब हमें डाउनटाउन व्यू मिल गया, उन्होंने अपग्रेड कर दिया रूम मेरा। सो अभी ऐसा कुछ व्यू है, बट ये व्यू भूल जाओ यार, ये व्यू कुछ भी नहीं है। अभी जो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा ना वो इनके टेरेस से है। ये है भाई यहाँ पे चेयर्स, ये है अपना बेड वेड, वहाँ पे अपना बार काउंटर है अपना, ये और ये टीवी है। सही है, ये मेरे को स्टार्टिंग का इनका एंट्रेंस अच्छी लगी, काफ़ी मिरर्स वाली अच्छी लगती है। बाकी वॉशरूम कुछ ऐसा है इनका। Guys, तो भाई मैं सो गया था भाई 11:30 और अभी टाइम हो रहा है यार 2 बज रहे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं सोया, 3 घंटे सो गया था, अभी मैं उठाऊँ तो मैं जल्दी से भाई नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश वगैरह कर लेता हूँ और कपड़े चेंज करके अब आपको लेके चलता हूँ मैं सीधा टेरेस पे। A few moments later. ओके गाइस तो कुछ ऐसा मेरा लुक है यार, फुल रेडी शेडी हो चुका हूँ मैं, तो अभी चलते हैं भाई टेरेस पे ऊपर एंड आपको मैं ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, जिसके लिए मैं बार बार आपको बोलने वाला था गाइस, इस होटल के ना व्यू के ही पैसे हैं भाई, तो ऊपर चलते हैं। सो भाई हमारा रूम तो 32nd फ्लोर पे है, बट हमें टॉप फ्लोर पे जाना है। ये पूल एरिया है इनका, यहाँ पे मैं पहले भी आया था, फोटोज देखना मेरे इंस्टाग्राम पे। ओके गाइस चलते हैं यार, यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करा लिए मैंने, अब यार बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्रॉपर फ्रेश हो चुके हैं, व्यू भी आपको दिखा दिया, अब बताओ व्यू आपको अच्छा लगा या नहीं, मेरे को कमेंट करके बता देना यार, कितना अमेजिंग व्यू है, फिर से देख लो, लो देख लो। अब मैं आपको रात को भी दिखाऊंगा, अब रात को आप सो सकते हो, प्रॉपर लिट अप होगा, प्रॉपर जो हाईवे है ना आप देख सकते हो, हाईवे है प्रॉपर भाई, ये गोल चक्कर पता नहीं क्या क्या है, तो ये सब कुछ मैं आपको रात को भी दिखाऊंगा, बट अब चलते हैं कुछ खाने। सो इस होटल का पीछे का व्यू ये है, सी व्यू होटल इसको कहते हैं, सी व्यू। ओके तो अभी मैं होटल से नीचे आ चुका हूँ एंड ये मेन ना शेख जायद रोड पे मैं घूम रहा हूँ, यहाँ पे सबसे जो बेस्ट होटल्स होते हैं ना, सबसे बेस्ट तो यार शेख जायद रोड ही है, अगर आप भी दुबई आ रहे हो ना तो शेख जायद रोड पे आप होटल लेना, क्योंकि यार इससे ना नियर बाय सब कुछ है, देखो बुर्ज खलीफा वो रहा, और अगर बुर्ज खलीफा वहीं है तो दुबई मॉल भी उसके नीचे ही है, तो मेन तो दुबई लोग बुर्ज खलीफा और सब के लिए आते हैं, तो शेख जायद रोड ना सबसे बेस्ट ही है। तुम्हारे भाई की गाड़ी जा रही है भाई, देखो शेख जायद रोड पे प्रॉपर सब खाने के लिए, स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स भी है यहाँ पे, टिम हॉर्टन्स ट्राई करूंगा मैं, अभी नहीं करूंगा बट अभी कुछ खाऊंगा मैं। टिम हॉर्टन्स भी है गाइस, ये दिल्ली में भी ओपन होने वाला है, यूएस का एक कॉफी ब्रांड है, स्टारबक्स का कॉम्पिटिशन है, तो इसको मैं ट्राई करूंगा। बाकी अभी मेरे को सामने पिज्जा हट भी दिख रहा है, मतलब सब वॉकिंग पे है यार होटल में, इसलिए शेख जायद रोड पर रुकने का फायदा होता है, सब कुछ यहाँ पे आपको वॉकिंग पे मिलेगा। हो गए यार पिज्जा वगैरह खा के, बाकी जो बचा टेक अवे करा लिया, बाद में खा लूंगा इसे मैं। अभी हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, और बार मेट्रो में ना आपको मेट्रो कार्ड का बताता हूँ मैं यहाँ पे, और बिल्कुल ना मेट्रो स्टेशन हर जगह ही है इनके, जैसे दुबई मॉल जाए तो दुबई मॉल के अंदर ही भाई मेट्रो है, बिल्कुल समझ लो मॉल के अंदर ही रुकेगी वो मेट्रो। गोल्ड कार्ड लिया है मैंने, गोल्ड में ये है भाई थोड़ी खाली मिलती है एंड आगे वाली होती है सीटिंग, तो गोल्ड कार्ड ही लिया करो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट जो भी आपकी मर्जी है, एक सिल्वर कार्ड होता है वो नॉर्मल है, उधर थोड़ा रश मिलता है। और मेट्रो ना इनके स्टेशन ऐसे हैं, देखो ये वाले, ये मेट्रो स्टेशन है इनके जहाँ भी आपको दिख रहे हैं।
से आया हूँ ना, तो और अगर मैं अभी टैक्सी से आता तो मेरे को ना, जैसे मेरे को मेट्रो से लगे यहाँ पे 5 या फिर 8 दिरहम लगे मेरे को, और अगर मैं आता टैक्सी से तो मेरे को लगता है कम से कम 60 दिरहम यार, देख लो कितने पैसे बच जाते हैं। तो मेट्रो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है अगर आपको थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी है इन सब चीज़ों में। ओए होए होए, अपना इंडियन फर्जी कैफ़े भी है यहाँ पे। सो भाई ये मॉल ऑफ एमिरेट्स से आप देख सकते हो, सिनेमा हॉल, मैंने यहाँ पे थिएटर भी देखा है। मैं बताऊँ कौन सी मूवी देखी थी यहाँ पे, मैं देखी थी मैन इन द ब्लैक। ओके गाइस, तो मैं अभी आ चुका हूँ गो स्पोर्ट्स में, एंड ये एक टाइप का मल्टीपल ब्रांड शोरूम है यहाँ पे। आपको अंडर आर्मर, एडिडास ओरिजिनल्स, जॉर्डन, नाइकी, इन सब के ना एक्स्ट्रा जो अदर ऑफर्स होते हैं ना एंड एडिशनल डिस्काउंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आपको पर्टिकुलर स्टोर्स में नहीं मिलते। तो मैं जब भी आता हूँ मॉल ऑफ एमिरेट्स, मैं इस शोरूम में ज़रूर विजिट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। आप देख सकते हो भाई साहब, अबे बंद हो गया यार, इनका हिसाब बिल्कुल उल्टा है, ये वाली ऊपर आती है एंड राइट से नीचे जाना होता है। ओके गाइस, तो मैं भी आ चुका हूँ शेक शैक में, एंड ये यार काफ़ी ज़्यादा एक फेमस ब्रांड है बर्गर्स के लिए, एंड मैंने कभी भी ट्राई नहीं करा शेक शैक के बर्गर। तो देखते हैं यहाँ पे इनका न्यूली अभी वेजिटेरियन में फलाफल बर्गर आया, देखते हैं वो कैसा है। बाकी इनके फेमस चीज़ी फ्राइज हैं, वो तो मैंने ऑर्डर करे ही हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इनके जो बर्गर्स हैं ना यार काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव से लग रहे हैं यार, जैसे फेक नकली से बर्गर हैं कोई। तो ऐसा कुछ इन्होंने बजर दिया है मेरे को। सो गाइस, ऐसा कुछ ये बजर हो जाता है शेक शैक का, एज यू कैन सी। ओके भाई, इनके बर्गर तो काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं यार, लिटरली भाई साहब। और फ्राइज तो इनके सुपर फेमस हैं यार, सुपर फेमस। बाकी यहाँ पे चीज़ी है, मस्टर्ड है दोनों ये, एंड केचप्स हैं, सो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। लेट्स सी भाई कैसे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा चीज़ी हैं। तो फलाफल बर्गर शेक शैक का, लेट्स सी कैसा है। ये भी टेस्ट करके देखता हूँ, ओ भाई साहब ये तो बहुत ही ऑसम है भाई। इन मॉल्स में ना सबसे अच्छी बात ये, दुबई में यहाँ पे स्टारबक्स ही ना 4-5 जगह खुल रखा है यार, मतलब हमारे जो दिल्ली में मॉल है उधर तो एक ही स्टारबक्स होता है, यहाँ पे 5-6 स्टारबक्स हैं यार। तो गाइज़ ये वहाँ पे एप्पल स्टोर में लगा रखा है, ये जो आप QR कोड देख रहे हो ना, इसको अगर आप स्कैन करोगे ना तो आपके जो पुराना ओल्ड फ़ोन जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। काफ़ी अच्छी है यार, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। बाकी एप्पल स्टोर अच्छा है काफ़ी, देखो ग्रीनरी कितनी यहाँ पे। ओके गाइज, वापस आ चुके हैं यहाँ से, वाटर बॉटल्स लेनी यार, एंड यार दुबई में पानी बहुत ज़्यादा महंगा है, पर कोई नहीं यार, पानी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है, हैवी बॉटल यहाँ पे। हाँ मिल गई, चलो नहीं नहीं वो बाद में लेंगे, अभी तो मेन बहुत प्यास लग रही है, पानी पीते हैं और सीधा होटल चलते हैं। एंड एक बार नाइट व्यू आपको दिखाता हूँ उसी सेम बालकनी से। इंडिया में तो ऐसे होते हैं ना, सिर्फ 24/7 ही होता है, यहाँ पे मल्टीपल 24/7 आप मान सकते हो चीज़ें हैं। और पानी के वो देखो यार ब्रांड्स, पानी के ब्रांड देखना। सो जो भी है, हमने ले लिया बॉटल्स, अब चलते हैं होटल सीधा। फुल हो चुका हूँ यार, मन तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ खाने का, बस आपको अब होटल जाके व्यू दिखाऊंगा। एंड इस वीडियो को, डे वन ऑफ दुबई की वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूंगा, सीधा बालकनी में होटल की। अब मिलता हूँ आपको मैं सीधा होटल, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस नाइट व्यू प्रॉपर होटल की बालकनी से। 42nd फ्लोर पे आ चुके हैं, लुक एट द व्यू यार, लाइटिंग इज ऑल, चेकआउट करो, एंड देयर इज अ डोर। ओके गाइस, तो आप अब रेडी हो जाओ यहाँ से व्यू देखने के लिए। ओ माय गॉड यार, कितना अमेजिंग व्यू है यार, मतलब कसम से यार प्यार आ रहा था यार ये व्यू देख के। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ व्यू, एंजॉय करो। वाओ, एंड वाओ यार, क्या कहने हैं इस व्यू के यार, दिल खुश हो जाता है इस व्यू को जब भी मैं देखता हूँ। एंड मैं इसीलिए इस होटल में आता हूँ, जस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल व्यू। कोई भी ऐसा एक बंदा होगा जो ये वीडियो देख रहा है, जो बोलेगा ये व्यू बेकार है या फिर इससे भी अच्छा व्यू हो सकता है। वैसे आपको एक चीज़ बताऊँ,
नेक्स्ट जो मैं एक होटल में स्टे करने वाला हूँ उसका इससे भी बेटर व्यू होने वाला है गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, बिकॉज इससे बेटर वीडियोस भी फ्यूचर में अभी आने वाली हैं। नेक्स्ट फ्यू डेज में मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ गाइज, सब्सक्राइब कर दो। एंड आपको मैं फिर से बोलने वाला हूँ गाइज, सुमेर एंड मलिका के लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। एंड इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। टाइम अभी हो रहा है गाइज, ओ माई गॉड, ऑलमोस्ट 12 AM, मतलब रात हो चुकी है गाइज। एंड इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। एंड मिलता हूँ आप सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड विद दैट सेड, एज ऑलवेज यू नो इट गाइज, यल्ला, यो लव।